देखो ऐसा था ये घर और ऐसा हो चुका है। कितना सुंदर लग रहा है गाइस ये वाला घर। वाओ यार अच्छा बनाया मैंने। मेरे को यहाँ पर एक प्रॉपर्टी पसंद आई थी तो मैंने आप लोगों को बिना बताए वो प्रॉपर्टी बाय कर ली। अब वो प्रॉपर्टी कैसी है वो तो आप लोगों को वीडियो के अंदर पता लगेगा। वैसे मैं अगर आप लोगों को इसका फ्रंट लुक दिखाऊं तो ये है बहुत बड़ा, मतलब ना ये गेट मेरे सामने ही है, मुंह के सामने ही है। बट ये घर काफी सही लग रहा, आगे से काफी ज्यादा बड़ा है, एक पेड़ मिल जाता है एंड इसमें बहुत बड़ा मेरे को यहाँ पर गार्डन मिल जाता है गाइस। इंटीरियर मेरे को नहीं पता कि इसके अंदर का कैसा है, कितने रूम है, कितने बाथरूम है, कितने बेडरूम है, कुछ भी नहीं पता है। चलो अंदर चलते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना गाइस एंड प्लीज यार वायरल करा दो इस वीडियो को भी। तो चलो अभी हम लोग चलते हैं घर के अंदर। अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना। तो सबसे ये तो हम लोग बाद में ही तोड़ेंगे, चलो अभी हम लोग घर के अंदर चलते हैं। तो घर के अंदर आने के बाद यहाँ पर मेरे को कुछ सिक्योरिटी वाला लॉक मिल जाता है जो कि काफी सही है। एंड उसके बाद यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा, ओ भाई देखो यहाँ पर किचन प्लस लिविंग रूम भी है एंड काफी सही बड़ा भी है, ह्यूज साइज है इसका एंड काफी सही भी लग रहा है दिखने में। एंड एक बेडरूम इधर भी है जिसमें, ओ एलईडी हम लोग नहीं बेचेंगे गाइस, ये एलईडी इधर ही काम आ जाएगी। एंड ओ यार काफी सही यार, इसमें तो हम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना, बस ठीक है यार हम लोग कर लेंगे। देखो एसी भी है इसमें एंड 20 डिग्री पे चल रहा है भाई, वैसे इतनी ठंड पड़ी हुई है और यहाँ पर ये 20 डिग्री का चल रहा है। ओके एंड इसमें हम लोगों को बहुत सही टॉयलेट भी मिल जाता है देखने को एंड इस तरफ में हम लोगों को स्टोर रूम मिल जाता है। ओके देयर वी गो, हम लोगों के पास 2-3 एलईडी और है एंड ये सब तो मैं सेल कर दूंगा, काम की चीजें रखूंगा बस अपने पास। पहले ना हम लोग इस घर की सफाई करते हैं, बहुत ज्यादा गंदगी हो चुकी है एंड सिर्फ पिज्जा पिज्जा के डब्बे पड़े हैं एंड कुछ केन भी पड़े हैं, लैपटॉप भी पड़ा है भाई। ओए होए होए लैपटॉप ऑन नहीं होता, काश मैं इस लैपटॉप को अपने साथ लेके जा सकता, पर ठीक है कोई बात नहीं। एंड ये क्या चीज है, ये मॉनिटर है। अरे भाई क्या क्या है इसमें, पहले हम लोग ना सफाई कर लेते हैं एंड काम की चीज बाद में निकालेंगे। तो यहाँ से इसको साफ कर लिया, इसको साफ कर लिया एंड फटाफट से मैं सारा साफ करके फिर दिखाता हूँ। अभी देखो यहाँ पर मैंने पूरी साफ सफाई करने के बाद ये पूरा का पूरा एक नंबर का हाउस बन चुका है। वैसे इधर जो है ना पीसी वगैरह काफी सारे हैं तो मेरे को लग रहा है ये ना किसी का ऑफिस का घर है। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि हमारे बायर्स को चाहिए क्या क्या। देखो तो कस्टमर की तो डीलिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा बेकार लग रही है अभी ना गाइस। मैं क्या सोच रहा हूँ, हम लोग ना इस पूरे घर का लुक चेंज कर देते हैं, टीवी वगैरह रहने देंगे, बस यहाँ के फर्नीचर्स एंड किचन के फर्नीचर्स इन सारी चीजों को सेल करेंगे। तो करते है सेल, अभी 91,000 है, इसको सेल करने के बाद आई डोंट नो कि कितने मेरे पास पड़ेंगे। तो चलो हम लोग ना सेल करना स्टार्ट करते हैं, ये सारी चीजें मैं सेल कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर सेल करने के बाद मेरे पास 3,000 का प्रॉफिट हुआ है, बट वो 3,000 सारे फर्नीचर में लग जाएंगे। एंड अब मैं सोच रहा हूँ ना कि हम लोग ना इस पूरे घर का पहले फ्लोरिंग करते हैं, पेंट करते हैं, लुक चेंज करते हैं गाइस। एंड मैं सोच रहा हूँ ये भी सेल कर दूं, उसके बाद अलमीरा भी सेल कर दूं, ठीक है ये काफी सही हो गया। एंड मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर बड़ा सा एक विंडो या फिर डोर लगा देते हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ पर वुडन वाली एक विंडो लगा दी है, काफी सुंदर लग रहा है इसका अब ये घर का लुक। एंड आप लोग देख सकते हो ये जब खुल गया ना यहाँ से ये काफी सही लग रहा है। अब अगर हम लोग इसमें सोफे वगैरह अगर डाइनिंग का चीजें लगाते हैं तो काफी सही लगेगा। एंड अब बारी आई है इस घर के हम लोग फ्लोरिंग करने की, तो वो भी कर लेते हैं। लाइट पहले सेल कर देते हैं यहाँ पर हम लोग, टॉयलेट को बाद में देखेंगे। एंड सबसे पहले हम लोग इस घर की फ्लोरिंग डिसाइड करते हैं कि कौन सा करना है हम लोगों को। तो मेरे को यहाँ पर सबसे बेस्ट जो सीलिंग या फ्लोरिंग लग रही है ना वो ये है गाइस, $11 की हम लोगों को मिल जाता है। एंड अगर मैं इसको पूरा का पूरा कवर कर दूं तो ये कुछ इस तरह से इसका लुक आ जाता है एंड ये देखने में भी काफी सही लग रहा है। एंड ये देखो गाइस कहाँ लग गया मैंने वहां लगाया नहीं था बट वो लग गया भाई। इसको यहाँ तक लगा देते हैं एंड देन देयर वी गो, उसके बाद ये लग गया यहाँ पर एंड इस रूम का रहने देते हैं अभी फिलहाल। गाइस मेरे को एक आइडिया है, क्यों ना हम लोग ना ऊपर की चीजें भी थोड़ा सा मस्त कर दे। देखो मेरे को ना यहाँ पर एक आइडिया आया है कि अगर मैं ऊपर की तरफ में ये कर दूं, ये देखो गाइस ये काफी सही लगेगा भाई। एक बार ना इसको पूरा का पूरा करके देखते हैं, देखते कैसा लग रहा है ये। ओए होए 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 ये तो पूरा राजा महाराजा वाला फील आ रहा है गाइस एंड अच्छा भी लग रहा है यार, ऐसी बात नहीं है। देखो अंदर होते कितना सही लग रहा है भाई, इधर भी कर देता हूँ ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो कलर भी इसका डिसाइड कर सकता हूँ, देखो एक कलर का ये भी है बट ये नहीं लगाऊंगा, वो ज्यादा सही लग रहा है। एंड उसके बाद यही था ना,
हाँ यही था, इसको लगा देते हैं भाई वहां तक। ऑल राइट गाइस, ओए होए होए होए, ये काफी सही लग रहा है। अब जो मेरे को इसकी वॉल की पेंट करनी होगी ना, वो काफी सही करना होगा, नहीं तो भाई दिक्कत हो जाएगी। तो देखते हैं कि इससे क्या मैच करता है। तो गाइस इतने सारे यूज करने के बाद मेरे को यहाँ पर जो जच रहा है ना, वो ये वाला कलर जच रहा है। मैंने काफी सारे यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे बाय करे, बट यहाँ पर जो जच रहा है वो ये जच रहा है। हम लोग इसको और अच्छे से डेकोरेट कर देंगे, तो मैं यहाँ पर ये वाला बाय करने जा रहा हूँ खूब सारा। मतलब मैं दो सेट बाय कर लेता हूँ फिलहाल अभी के लिए, तो मैं इसको फटाफट और बाकी जो ये है ना इनको सबको सेल कर देता हूँ। तो ये तो यहाँ पर सेल हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं ना इसको फटाफट से पूरे में लगाता हूँ और फिर दिखाता हूँ कि ये कितना बढ़िया लग रहा है भाई। अब देखो गाइस इधर वाली वॉल की पूरी लुक चेंज आ रही है, एंड काफी सही भी लग रहा है ये दिखने में। एंड हम लोग ना इसको बहुत अच्छा करेंगे। ये देखो अभी ना ये मैंने पूरा सेल कर दिया है, एंड मेरे पास अभी एक बचा है क्या, ये हाँ एक बचा है, इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब ना मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग ना इन वॉल्स पे पेंट कर लेते हैं एक अलग कलर का पेंट, काफी सही लगना चाहिए भाई। तो लेट्स गो, पेंट भी डिसाइड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर पेंट भी सिलेक्ट कर लिया, आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर तीन कलर बाय करे थे, तीनों में से मैंने सिलेक्ट किया ये वाला कलर जो कि काफी सही लग रहा है। एंड अब इन दोनों की बारी है सेल होने की, फटाक से हम लोग ये लार्ज बाय कर लेते हैं एंड पूरे घर को रंग देते हैं भाई। चलो भाई पेंट का काम गाइस यहाँ पर ऑलमोस्ट हो चुका है डन इस वाले रूम का। एंड अभी हम लोग ना क्या करने वाले हैं, मैंने यहाँ देखो टाइल्स बाय नहीं करी ये वाली, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पर टाइल बाय कर लूँ। तो ये रहा वो टाइल, एंड इसको ना यहाँ पर लगा दो यार, ये थोड़ा सा ना भद्दा टाइप का लग रहा है। एंड अब नहीं लग रहा गाइस, ठीक है अब ये ज्यादा सही लग रहा है, पहले से तो काफी सही लग रहा है। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये वाला रूम पहले से अच्छा लग रहा है या पहले अच्छा लग रहा था, ठीक है। तो अब गाइस मेरे को करना क्या है, बेसिकली यहाँ पर जो है ना मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर ना हम लोग हल्की व्हाइट कलर कर दे, ताकि ये कॉरिडोर काफी सही लगे दिखने में। अभी सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ ना, इनको सेल करने वाला हूँ। एंड सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाऊंगा किचन, और यहाँ पर हमारा एक जो है ना क्या बोलते हैं इसको, सॉकेट, ये खराब हो रखा है, इसको हम लोग रिपेयर कर देते हैं फटाफट से। अब देखो गाइस यहाँ पर मैंने एक फ्रिज को सिलेक्ट किया है, एंड ये वाला फ्रिज ना हमारे छत से मैच हो रहा है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये काफी सुंदर लगेगा। और इस फ्रिज को ना हम लोग लगाएंगे इस तरफ में, और आप लोग कह नहीं रहे होगे भैया ये फ्रिज है सच्ची में? हाँ गाइस ये फ्रिज है, काफी सही भी लग रहा है ये फ्रिज, मैच मेकिंग वाला भी हो गया है। एंड अब हम लोग क्या करेंगे ना, और चीजें बाय करेंगे। अब देखो यहाँ पर उसी सेम टू सेम यहाँ पर हमारे पास वो मिल जाता है, एंड बस हम लोगों को ना इसका पत्थर और ये सिलेक्ट करना है कि हम लोग पत्थर कैसा रखें। तो पत्थर मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये हो गया। तो यहाँ पर पूरी तरह से ये सिलेक्ट होने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है, अगर मैं इसको यहाँ पर लगाऊं तो ये उससे पूरा का पूरा मैच करेगा और ज्यादा भद्दा नहीं लगेगा। देखो गाइस दोनों के दोनों सेम टू सेम हो चुके हैं, एंड बस हम लोगों को ना काफी सही तरीके से करना होगा बाकी चीज। अब बस मेरे को कैबिनेट्स लगानी है यहाँ पर, एंड कैबिनेट्स का जो पत्थर है वो, यार पत्थर तो मैं भूल गया गाइस कौन सा था, ओके ये वाला है पत्थर, ठीक है। The next day. तो देखो गाइस मैंने यहाँ पर और चीजें चेंज करी है, और इस वाले गेट को इस छत की तरह बना दिया है, तो ये पहले से अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर जो मैंने सारे के सारे फंक्शनल यूज करे हैं और कैबिनेट्स यूज करे हैं, वो सेम टू सेम हमारे फ्रिज की तरह है, एंड इसका लुक पहले से काफी सही लग रहा है। अब ना मैं इसमें जो है ना स्मॉल चीजें ऐड करने वाला हूँ, जैसे बर्तन वगैरह हो गया एंड प्लेट्स वगैरह हो गई। एंड मैं सोच रहा हूँ कि ना हम लोग ना एक डाइनिंग टेबल भी यहाँ पर ऐड कर दे। तो डाइनिंग टेबल के लिए मैं सोच रहा हूँ ना हम लोग ना ऐसे करके डाइनिंग टेबल सेट करे, ज्यादा बड़ा नहीं ज्यादा छोटा नहीं, चार बंदों के लिए काफी सही रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग डाइनिंग टेबल ही सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सारी चीजें हमारी लकड़ियां की है, तो ये देखो गाइस ये लकड़ी भी काफी सही लग रही है एंड मैच मेकिंग वाली है। देखोगे गाइस पूरा का पूरा मैच हो रहा है, एंड मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग ना इसी को बाय कर ले एंड इसको ना ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। हाँ अभी ठीक हो गया ये एकदम परफेक्ट। और उसके बाद हम लोग ना यहाँ पर चेयर भी बाय कर लेते हैं। अद्भुत यार पूरी की पूरी सारी की सारी मैच मेकिंग वाली चीजें बाय हो रही है, मजा आ गया भाई इसको तो करके। देखो गाइस पूरी की पूरी मैच मेकिंग वाली यहाँ पर फील आ रही है, बस हम लोग ना इसमें लाइट्स वगैरह अच्छी लगाएंगे, देखते जाओ तुम लोग।
अब ना मैं क्या करता हूँ, सारी चीजें फाइनल करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या चीजें लगाई है, तो आप लोग भी जरूर देखना। ऑल राइट गाइस, तो मैंने यहाँ पर किचन को फाइनल कर लिया है एंड आप लोग देख सकते हो पहले से कितना सही लग रहा है ये किचन हमारा। यहाँ पर मैंने खूब सारे डेकोरेशन की चीजें ऐड कर दी एंड यहाँ पर मैंने प्लांट्स रख दिए, फ्रूट्स रख दिए एंड बाकी जो जो चीजें हमारे किचन में लगता है वो सारी चीजें रख दी है एंड काफी सही लग रहा है। बस इसमें मैंने लाइटनिंग नहीं करी है, तो सोच रहा हूँ इस पंखे को मैं बेच दूँ एंड लाइटनिंग आपके सामने करूँ। तो लेट्स गो। तो लाइट्स पे मैं गया और सीलिंग वाले पे गया तो यहाँ पर मेरे को काफी सही सही मिल जाता है, लेकिन ये ज्यादा सही लगता है। देखो अगर मैं इसको यहाँ पर दो एक आ जा दो तीन, मैंने यहाँ पर ये तीन वायर कर दिए। तो अब मैं इसका, अरे स्विच का है रे भाई, ए भाई स्विच का है रही, स्विच ही नहीं है गाइस, कोई बात नहीं। एंड वैसे ये काफी सही लगेगा दिखने को। एंड किचन हमारा यहाँ पर फाइनल हो चुका है, अब बारी आई है लिविंग रूम की। तो भाई बहुत सही बनाना होगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग अपना बेड इस तरफ में लगाएं और बहुत सुंदर वाला बेड बाय करें। तो लेट्स गो। तो ये वाला सोफा मैंने यहाँ पर बाय किया है। अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई ये वाला क्यों ही बाय करा है, क्योंकि गाइस इसका ना हम लोगों को आर्म चेयर भी मिल जाता है। देखो अगर मैं इसमें ढूंढू, ये देखो गाइस इसका सिंगल सेट भी मेरे को मिल चुका है, तो मैं इसको काफी सही से वो कर सकता हूँ। ठीक है देखो इसमें मैंने ये सेलेक्ट कर दिया, वो हमारा वही रहा, ठीक है ये लो एंड उसके बाद ये, और बन गया हमारा सेम टू सेम ये इसका भाई। तो मैं अगर इसको लगाना चाहूँ, देखो यहाँ पर एक और फिट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने दो सोफे लगा दिए और काफी सही भी लग रहा है ये दिखने में। बाकी ओवरऑल ये अब पहले से काफी सही लग रहा है, ज्यादा वो नहीं है इसमें बातचीत। देखो अंदर आए, इधर को हमारा लिविंग रूम जलता जुलता मिल जाता है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर ना एक प्लांट रख देते हैं बस। अब देखो गाइस यहाँ पर मैंने जब प्लांट रख दिया ना, तो इसका लुक और भी चेंज हो चुका है। एंड बस अब इसको सेल करते हैं यहाँ से। अब इसमें हम लोग लगाते हैं यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा लाइट, और आपको पता है लाइट तुम्हारा भाई एकदम ढूंढ ढांड के लगाएगा, और मैंने यहाँ पर लाइट भी लगा दी। भाई काफी सही लग रहा है यार ये दिखने को तो। एंड मैं ना छोटे छोटे लाइट्स भी लगा देता हूँ बगल में, ताकि इसके ना लुक्स बेकार ना हो जाए। चलो लाइट्स भी मैंने यहाँ पर पूरी पूरी लगा दी गाइस। हमारा यहाँ पर लिविंग रूम प्लस में किचन एकदम तैयार हो चुका है। एंड भाई पैसे बहुत जल्दी ज्यादा ज्यादा दगा तक खत्म हो रहे हैं। चलो अब बारी आ चुकी है हमारे बाथरूम को डेकोरेट करने की। एंड फटाफट से गेट को बंद करते हैं और इस सब को सेल करते हैं यहाँ पर हम लोग। सारी चीजें सेल होने के बाद गाइस मेरे को ना इसका लुक तो ठीक लग रहा है, बट ना इसमें हमारी टाइल्स चेंज हो जाएगी। देखो मैंने यहाँ पर टाइल चेंज कर दिया और इसका लुक पूरा का पूरा चेंज हो गया। वैसे तो हमारा शावर हमेशा इधर होता है, तो हम लोग इधर ही अपना शावर लगा देते हैं, ठीक है, और ये सेल कर देते हैं। बाकी बस अब हम लोगों को फिक्सिंग करनी है यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ पर आ गया एंड सबसे पहले मैं इंस्टॉलेशन पे आ जाता हूँ, असेंबली पे आ जाता हूँ और सारी चीजें लगा देता हूँ, फिर दिखाता हूँ। देखो सारी चीजें लगा दी, अब ना हम लोग यहाँ पर इसमें फटाफट से लगा लेते हैं। और ये मेरे को मक्खी मक्खी तेरी मक्खी परेशान कर रही है यार। मैं ये वाला लगा दूंगा, $701 का है। एंड फटाफट से इसको लगा देते हैं यहाँ पर, और लग जा चचा, लग गया, ठीक है भाई। ये हैंड पंप सा है, कोई बात नहीं, लगा दो गाइस, ठीक है। लो भाई लग गया शावर, नहा लूंगा इसके नीचे में अब। एंड अब इसमें आ जाएगा एक टॉयलेट, टॉयलेट का है, टॉयलेट टॉयलेट टॉयलेट, ओके। तो टॉयलेट थोड़ा सा ना मस्त सा लगाएंगे। ओ ये काफी मस्त सा लग रहा है भाई, एकदम फराटेदार भाई। एंड इसके ऊपर टाइल चेंज कर दी मैंने, ओए होए 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 भाई ये काफी लंबा है ये। चलो भाई ये भी लग गया, अबे यूज नहीं करना है मेरे को, ठीक है बढ़िया गाइस एकदम। अब देखो गाइस हमारा बाथरूम कैसा लग रहा है, सारी चीजें लगा दी, गीजर और यहाँ पर हैंड वॉश करने के लिए भी दो सिंक लग गए हैं, शीशे वगैरह लग चुके हैं। एंड मैंने यहाँ पर दो डेंजरस यहाँ पर मैंने तक भी रख दिया, ठीक है। चलो फाइनल हमारा यहाँ पर बाथरूम हो चुका है। एंड मेरे को यहाँ पर कुछ तो लफड़ा दिख रहा है जी, ये क्या चीज है भाई, शावर के लिए, अरे हटा यार इसको, ठीक है गाइस, ओके डन डन डन। चलो भाई इसको बंद कर लेते हैं। एंड इधर क्या रह गया भाई, एसी का, एसी भी सेल करो भाई, इसमें एसी की क्या जरूरत है। देखो गाइस पूरा का पूरा हमारा यहाँ पर ये तैयार हो चुका है। एंड इसको भी हम लोग यहाँ पर सेल कर देते हैं। अब बस यहाँ पर हम लोग व्हाइट कलर को पेंट करेंगे फटाफट से। चलो गाइस देखो कितना बढ़िया लग रहा है अब ये हमारा कॉरिडोर, एकदम मस्त यार। एंड हम लोग ना इसमें और कुछ लगा नहीं सकते, बस इस वाले वॉल पे कुछ पेंटिंग्स लगा सकते हैं हम लोग। चलो भाई मैंने इसको थोड़ा सा और अच्छे से डेकोरेट कर दिया है।
एंड अगर मैं लाइट्स की बात करूँ, लाइट्स ओ भाई पूरा का पूरा जल गया। एंड अब देखो गाइस लग रहा है ना मस्त एकदम। अब बस इसमें हम लोगों को करना क्या, हमारा यहाँ पर बाथरूम फिक्स हो चुका है एंड यहाँ पर हमारा बस ये रह गया ना, उसके बाद ये रह गया, इसमें हम लोगों को लाइट लगाना है, लाइट जो है नहीं। ऑल राइट गाइस, तो मैंने यहाँ पर बाथरूम में भी लाइट लगा दी है, अब बस बेडरूम बच गया है। बेडरूम में हमारा टीवी पहले से ही है तो टीवी खरीदने की जरूरत नहीं है। का ना हम लोग बस कलर चेंज कर देते हैं फटाक से एंड बढ़िया सा कलर कर देते हैं इसमें हम लोग। मैं सोच रहा हूँ ना ये वाले पैनल से हम लोग इसको वॉल को बढ़िया कर दे, देखो इस वाले वॉल को, ये काफी सही लगेगा यार दिखने में। वैसे तो मैंने पूरा का पूरा लगा दिया और काफी सही भी लग रहा है यार दिखने में, मस्त लग रहा है। और पेंट देखो गाइस कितना सही लग रहा है ये वाला, एंड सही भी लग रहा है, बुरा नहीं है। आप लोग मेरे को बताना कि कैसा बनाता हूं मैं घर। तो पेंट डन होने के बाद गाइस कुछ इस तरह से इसका लुक आता है, बट यहाँ पर हमारे पास एक जो है ना वो करना जरूरी है। मेरे को लग रहा है ये पेंट हाँ हो गया है, मेरे को ना एक बार और बाय करना पड़ेगा वो वाला टाइल, क्योंकि ना वहां पर यार एक मिसिंग हो रहा है, देखो ये अब ठीक है ना, अब पूरा का पूरा हो चुका है भाई। अब लगाते हैं इसमें एक बेड। मैं सोच रहा हूँ ना गाइस हम लोग लकड़ी वाला लगाए, क्योंकि हमारा पूरा घर लकड़ी से बना है, मतलब डिजाइन लकड़ी वाला रखा है, तो ये वाला ठीक लगा मेरे को। तो मैं इसको बाय कर लेता हूँ इस तरफ में, एंड गाइस इसको ना सेल कर देते हैं हम लोग। क्लीन विंडो का आ रहा भाई, ले फिर फटाफट से कर दिया मैंने क्लीन। अब बस बचा क्या है, बेड, बेड साइड कैबिनेट्स, ये लकड़ी फ्रेम है हाँ। ओ यार क्या बात है यार, लेट्स गो। एंड ये पूरा का पूरा भाई एकदम डिट्टो इसका लुक आ रहा है भाई, ठीक है काफी सही हो चुका है गाइज ये वाला। एंड हम लोग ना इस तरफ में और चीजें करेंगे, पहले ना मैं एक चीज और बाय कर लेता हूँ यहाँ पर। देखो गाइज बेडरूम में जो जो चीजें होनी चाहिए वो सारी कर ली है, बस अब हम लोगों को ना यहाँ पर डेकोरेट करना है। तो डेकोरेट में आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं किस हिसाब से कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको सेल करूंगा, क्योंकि मेरे को ये इसका लुक अच्छा नहीं लग रहा, एंड इसको भी मैंने यहाँ से हटा दिया है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले एक विंडो लगाऊंगा, और विंडो मैंने सेलेक्ट कर लिया है, अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये रहा विंडो, एंड काफी सही लग रहा है। अरे यार मैंने पेंट क्यों भेज दिया यार, विंडो लगाने के बाद पेंट दोबारा करना पड़ता है। चलो कोई नहीं बाय कर लेते हैं, थोड़ा सा डेकोरेशन में आएंगे। एंड उसके बाद फायरप्लेस मेरे को एक लगाना था, एंड मैं सोच रहा हूँ ये वाला फायरप्लेस लगा दे क्या, यहाँ पर छोटा सा है हाँ ठीक है ये आ जाएगा इधर। एंड इसकी ये वाली लुक काफी सही लगती है, एंड एक और मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है काफी सही हो चुका है ये वाला। तुम्हारे भाई में दिमाग बहुत है यार। फाइनली हमारा ये वाला बेडरूम एकदम तैयार हो चुका है, अगर आप लोगों को दिखाऊं, एंड पहले तो इसको सेल करो यार, दिखाऊं क्या, इसको सेल करो एंड इस पे एक प्यारा सा लाइट लगा दो, लाइट जला दो। अब देखो गाइस सुंदर सुंदर सुंदर, एंड पूरा का पूरा तैयार हो चुका है। बस मैं एक बार ही ना चेक करना चाहूंगा कि हमारे जो वायर्स है उनको क्या क्या चीज की दिक्कत हो रही है। वायर्स को तो दिक्कत होती रहेगी गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अब बस ना इस वाले रूम में हम लोग कुछ नहीं करना, मैं बस यहाँ पर ना स्टोर रूम बना दूंगा यहाँ पर पूरा का पूरा, फर्नीचर में जाके ऑफिस किड्स कॉरिडोर। ऑल राइट गाइस, तो मैंने यहाँ पर ले देकर कॉरिडोर भी तैयार कर दिया है, बस इसमें लाइट लगानी बाकी है। कॉरिडोर पे इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि कॉरिडोर का इतना मांग नहीं था, बट मैंने कॉरिडोर भी यहाँ पर बना दिया, और बस यहाँ पर एक लाइट लगाना बाकी है। कॉरिडोर वाली लाइट ये वाली ठीक लगती है, तो मैंने ये वाली लगा दी, एंड इससे रोशनी भी काफी सही हो रही है। अब ये लग भी रहेगी भाई हाँ ये कॉरिडोर है। चलो गाइस फाइनली हमारा ये वाला घर तो पूरा का पूरा रेडी हो चुका है। अगर मैं आप लोगों को इसका डिजाइन दिखाऊं तो कुछ इस तरह से इसका डिजाइन आ जाता है, बहुत बढ़िया लगता है ये दिखने में। एंड बस अब हम लोगों को हर हमेशा की तरह इधर की घास भी पूरी की पूरी तैयार करनी होगी। चलो गाइस फाइनली हम लोगों ने अपना जो है गार्डन को पूरा क्लीन कर दिया है, अब इसको बेचते भी है ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड अब वक्त आ चुका है इस प्यारे से घर को सेल करने का, बहुत ज्यादा मैंने टाइम लगा दिया, बहुत ज्यादा मैंने इसमें पैसे लगा दिए, देखते कितना हमको प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर बोली स्टार्ट हो चुकी है, 1 लाख पार जा चुका है रेट इसका, बट फायदा नहीं हुआ, 20,000 का प्रॉफिट हुआ है गाइस, कोई बात नहीं। इसको जो चाहिए था वो पता नहीं क्या क्या चीज चाहिए था। चलो लेट्स गो हम लोग इसको सेल करते हैं, 20,000 का हमारे को प्रॉफिट हुआ है। देखो ऐसा था ये घर और ऐसा हो चुका है, कितना सुंदर लग रहा है गाइस ये वाला घर, वाओ यार अच्छा बनाया मैंने। फिलहाल गाइस वीडियो को एंड करने का वक्त आ चुका है, होप सो कि आप लोगों को ये वाला घर जो मैंने सेल किया है वो अच्छा लगा होगा।
लाइक बटन जरूर दबा देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों से मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक और प्यारे से घर के साथ। बाय बाय, अपना ध्यान रखना।